ठीक है, बेसिकली जो सेटअप होते हैं सबके फंक्शन की अलग अलग होती है और मोस्टली सेम भी होती है, तो वो डिपेंड करता है आपकी मदरबोर्ड पे, ठीक है। बट जो कॉमन यूज करते हैं वो होता है F2, F2 भी होता है, डिलीट भी होता है और किसी में एस्केप भी होता है, ठीक है। F12 वो बूट के लिए होता है सर, बूट के लिए। F10 हो सकता है, अगर आपने वो ऑप्शन उसी टाइम पे यूज कर लिए तो आप उन पे काम करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अपने सिस्टम को रिस्टार्ट करो, और ये भी नहीं है कि यहाँ पे आए यहाँ पे आए, वो सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है वो कहाँ पे आएंगे। आपकी स्क्रीन में कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई देगा F2 फॉर सेटअप और F12 या F10 या F11 या फिर डिलीट, आपके अकॉर्डिंग, आपके मदरबोर्ड के अकॉर्डिंग सिस्टम को रिस्टार्ट करो, और जैसे ऑन होगा तो अपनी स्क्रीन पे देखना कि वो बूट ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दे रहे, और दिखाई दे रहे हैं तो वो कौन से आपके पास में होगा बड़ा वाला एक्सपी होगी ना, ठीक है रिस्टार्ट करो, शटडाउन के बराबर में एक छोटा सा बटन है, उस बटन पे क्लिक करोगे तो वहां पे ऑप्शन आ जाएगा आपके पास में स्लीप मोड, रीस्टार्ट, स्टार्ट पे क्लिक करो, एक बार स्टार्ट पे स्टार्ट बटन माउस से फिर डाउन बटन लिखा है ना, सिट डाउन कर दिया, उससे साइड वाले में छोटा सा एक बटन होगा ये, हां रीस्टार्ट कर देंगे, और सामने स्क्रीन देखो बायोस लिखा आ रहा है, बूट मेन्यू लिखा हुआ आएगा, थोड़ी दो या तीन सेकंड के लिए ध्यान देना होगा आपको, ध्यान देना होगा जब रिस्टार्ट होगा ना तो सिस्टम, जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करोगे उसी टाइम पे नीचे नीचे होगा, देखो ध्यान नहीं आया इसमें वो ऑप्शंस, ठीक है सर नहीं आ रहा, पहले वैसे खुला था आपकी कोई जैसे फिर बता दो इसके F2 डिलीट ये वाले होते हैं, जैसे सिस्टम रिस्टार्ट हो ना F2 दबा दीजिए, रिस्टार्ट करो, और जिन का सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है ना, रिस्टार्ट करने के बाद में आप F2 का बटन दबाते रहना, जैसे ही स्टार्ट करोगे सिस्टम लोड होगा, F2 का बटन दबाते रहना एक एक करके, रीस्टार्ट की कमांड देगी जैसे ही बंद हो जाए, उसके बाद F2 दबाते रहना, ऊपर कीबोर्ड में F2 दबाना है, उसके बाद रीस्टार्ट करते के साथ ही रीस्टार्ट कर दो, कीबोर्ड में F2 लिख रहा है ना, F2 हाँ उसको दबाते रहना, नहीं है बन गया।
आगे सर ठीक है। अब मेरे पास में ये कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है क्योंकि मेरे पास में विंडो एक्सपी है और वो मदरबोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है और आप सभी के पास में कुछ सीएसपीयू में आ रहा होगा ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो मूल जो मैनली होते हैं वो हमारे पास में हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सा पासवर्ड डिवाइस चेंज करना है ठीक है। तो हम यहाँ पे आपके पास में या तो बूट का ऑप्शन होगा या फिर बूट एडवांस का ऑप्शन होगा या बूट सीक्वेंस का एडवांस बूट ऑप्शंस है सीक्वेंस टू बूट ऑर्डर वहां पे भी कर सकते हो आप स्टोरेज में बूट ऑर्डर ठीक है। और वहां पे आप देखोगे तो आपके पास में एडवांस बूट जो सीक्वेंस है ना बहुत सारी चीजें लगी हुई है टिक का निशान लगा हुआ है चेक बॉक्स लगा हुआ है ना बट यहाँ पे ये चीजें यहाँ पे बायोस और एडवांस बायोस फीसेस में जाना होगा आपको और कभी कभी क्या होता है कि अभी इनकी फॉर्मेटिंग ऐसी है सेटिंग्स ऐसी हैं दूसरी सेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि सिंपली बूट का ऑप्शन आ जाता है उनमें बूट का ऑप्शन आ जाता है और आपका ऑप्शन होता है बूट प्रायोरिटी ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में सीक्वेंस है सीक्वेंस के सामने कुछ चेकबॉक्स होंगे उनका नाम होगा हार्ड डिस्क होगी यूएसबी भी चेक होगी तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे डिस्टेल ड्राइव सैमसंग एसडीडी 83G स्टोरेज ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन है आपके पास में और यहाँ पे जो लिस्ट है इनमें से आप अप डाउन करके उन्हें मूव कर सकते हो कि आप किसको सबसे पहले लोड कराना चाहते हो ठीक है। जैसे यहाँ पे एडवांस बूट फीचर्स अनजाने से लिखो ठीक है। यहाँ पे आता है बूट सीक्वेंस मैं इस पे जाऊंगा एंटर प्रेस पे एक बात याद रखना आपको जब आप सेटिंग सेटअप करोगे ना तो आपको नीचे वो खुद बताएगा आपको करना क्या है इन चीजों को पढ़ लिया करो जब आप सेटिंग करोगे क्योंकि यहाँ पे वो इंडिकेशन आपको कुछ देता है सिलेक्ट करने के लिए आपको जैसे सिलेक्ट करना है तो आपको एंटर दबाना है अप डाउन करना है वैल्यूज को तो माइनस का साइन प्लस का साइन F9 F10 F8 ऐसे सारी चीजें आपको यहाँ पे वो डिफाइंड होती है ठीक है। इसके बाद में फर्स्ट बूट डिवाइस सेकंड बूट डिवाइस थर्ड बूट डिवाइस ठीक है और बूट फ्रॉम अदर डिवाइस अगर यहाँ पे मैं ये चीजों को यूज करता हूँ फर्स्ट बूट डिवाइस यहाँ पे क्या है यूएसबी क्योंकि पहले से यूएसबी वहां पे लगा के रखी हुई है ठीक है। तो यहाँ पे वो डिटेक्ट करके दिखा रहा है मैंने यहाँ पे फर्स्ट बूट डिवाइस यूएसबी को बना दिया। अब मैं जैसे सिस्टम को रिस्टार्ट करूंगा ना तो ये सबसे पहले किसको लोड करेगा यूएसबी को और यूएसबी में अगर ऐसा कोई आपकी विंडोज वगैरह नहीं मिलती है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं मिलता है तो वो फर्दर सेकंड पे जाएगा ठीक है। तो वो सेकंड को लोड करेगा और सेकंड में आपकी हार्ड डिस्क है और उस पर विंडो नहीं होगी तो उन ऑपरेटिंग सिस्टम फाउंड कुछ ऐसे करके दिखा देगा ठीक है। तो ये होता है कि आप एट अ टाइम ऑफ इनिशिएट ऑफ सिस्टम कि आप अपने सिस्टम में किसको सबसे पहले लोड कराना चाहते हो हार्ड डिस्क को यूएसबी को या सीडी रोम को वो ऑर्डर आप यहाँ से डिफाइन करते हैं ठीक है। मोस्ट जो होते हैं मोस्टली तीन कॉमन फीचर्स होते हैं एडवांस बायोस फीचर्स ठीक है। एक ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई दे सकता है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी उसमें मदरबोर्ड में या फिर वो ऊपर ही होगा बूट का ऑप्शन ठीक है या इस व्यू में आपके आ सकते हैं जो आपके पास में है ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डिफाइन किया यूएसबी और उसका नाम यहाँ पे आ रहा है इस पर क्लिक करो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ फर्स्ट बूट डिवाइस को सिलेक्ट करो मेरे पास में लिस्ट आ गई कि मेरे पास में क्या क्या चीज अवेलेबल है ठीक है। सटा ये हार्ड डिस्क है हार्ड डिस्क दो टाइप की होती है जब हम सिस्टम को ओपन करेंगे तब देख लेंगे ठीक है। साटा और आईडी आईडी को साथ पाटा भी बोलते हैं। अब वो उसकी जो रैपिड जो आप शॉर्टकट्स हैं उसकी जो फुल फॉर्म है वो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होती है और जो आपकी उसको हम पाटा भी बोलते हैं पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी और अटैचमेंट ठीक है। तो आईडी आईडी को हम पाटा भी बोलते हैं
ठीक है, और जो साटा होती है उसको सीरियल बोलते हैं, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, जो साटा होती है, जो आईडीई होती है, आईडीई एक पत्ते जैसी होती है, पत्ते का एक केबल होता है ना, उसके थ्रू कनेक्ट होती है, और उसके अंदर पिंस होती है, उनमें प्रॉब्लम और उसकी स्पीड दोनों का मैटर करता है, ठीक है। आईडीई और साटा को कंपेरिजन करेंगे तो बहुत सारा डिफरेंस होता है, वो फिर टेक्नोलॉजी वाइज पहले आईडी यूज होती है उसके बाद में साटा आई, तो वो फिर कंपेरिजन तो ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो होगा ही, ठीक है, तो हमें बात नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पे आप ये डिफाइन करोगे कि आप सीडी रोम से अपने सिस्टम को बूट करना चाहते हो, विंडो इंस्टॉल करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि जब सबसे पहले सिस्टम ऑन हो तो इसी को रीड करे, तो आप इसको बस वो डिवाइस बना दो। जैसे आप इस पे पॉइंट अपना वो लेके आएंगे, मूव करेंगे इसे, सिलेक्ट करना थर्मल को, अब आपने ये मूव करके एरो की से सिलेक्ट कर लिया, जैसे आप एंटर दबाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वो डिवाइस क्या